सो हे फूडीज एंड वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ फूडीज गूगल ब्लॉग सीरीज। तो मैं भी स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल ASR वर्ल्ड में। तो लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक नया ब्लॉग, और आज के इस ब्लॉग में हम लोग आए हैं सचदेवा चाप कॉर्नर पे। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत तरह के चाप्स तो अवेलेबल हो ही जाएंगे, और भी बहुत चीजें यहाँ पर आप लोगों को अवेलेबल होंगी। वो कौन से होने वाली है वो हम एक्सप्लोर करेंगे और आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को बिना किसी वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जिस डिश को आज हम यहाँ पर एक्सप्लोर करने वाले हैं वो है यहाँ के स्पेशल हरियाली चाप। यार आप लोगों को नाम कैसा लगा वो जरूर कमेंट करके बताना। और यहाँ पर जैसा हम लोग देख सकते हैं कि वो चाप सिर्फ नाम से ही नहीं, दिखने में भी एक्चुअल उसके नेम की तरह है। और आप लोग देख सकते हैं कि उसे अच्छी तरह से तंदूर के ऊपर रोस्ट किया जा रहा है। यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि बहुत तरह की वेराइटीज हैं, साथ ही साथ हम लोग ये जो डिश आप देख रहे हैं वे आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कौन सी, और नहीं समझ आया होगा तो यार मैं आप लोगों को बता दूं कि ये है यहाँ के मशरूम चाप। आप लोग देख सकते हैं कि ये देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ के हम लोग मेन्यू पे भी डाल लेते हैं नजर। यहाँ के मेन्यू पे बहुत ही तरह के डिशेज देख सकते हैं कि ग्रेवी चाप्स हैं, रोल्स की बहुत वैरायटीज हैं, यहाँ पर मोमोज की बहुत वैरायटीज हैं। और हम लोग देख सकते हैं कि इनकी प्राइसेस भी बहुत ही रीजनेबल हैं। ये बहुत ही मतलब यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग डिशेज आपको मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों को आना है तो यार जरूर आना, और यहाँ की लोकेशन जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यार अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा देना, साथ ही साथ आपको नई वीडियोस मिलती रहेंगी। हम लोग देख सकते हैं कि ये जो मशरूम चाप है उसके ऊपर अच्छी तरह से दोबारा बटर लगाने के बाद उसे और रोस्ट किया जा रहा है, और अब उसकी कटिंग के बाद उसमें मसाले और अब बहुत ही तरह के फ्लेवर्स डाले जा रहे हैं जिससे उसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाए। और अब ये अनियंस और आप देख सकते हैं उसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया गया है। और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि यार अब जो है हमारे ये मशरूम चाप जो है वो बन के हो चुके हैं तैयार। तब तक हम लोग देख सकते हैं यार जो हमारे हरियाली चाप थे वो अच्छी तरह से रोस्ट हो रहे थे, और वो फ्लेम के ऊपर कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में वो आप लोग बता ही सकते हैं। और आपने यार अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कीजिए, वहां पर नई वीडियो की आपको अपडेट सारी मिल जाएंगी। लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी देखिए कि यहाँ पर कितनी तरह की वैरायटीज हैं। और अब जो हम लोग देख सकते हैं कि यार हमारे जो हरियाली चाप हैं वो बस होने ही वाले हैं। उसके साथ में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये चटनी और फ्लेवर्स हैं, ये यहाँ पर क्रीम और ये इनके और चाप्स की वैरायटीज। और आप देख सकते हैं कि इनके यहाँ पर ग्रेवी कितनी अच्छी तरह से जो है वो उबल रही है, ग्रेवी को तैयार किया जा रहा है ताकि जो ग्रेवी में जो चाप्स चाप में ज़्यादातर ग्रेवी वाले लोग पसंद करते हैं, तो यहाँ पर आपको ग्रेवी चाप भी अवेलेबल हैं। तो आप लोग आना तो ज़रूर ट्राई करना। और देख सकते हैं कि हमारे हरियाली चाप पर दोबारा बटर लगाने के बाद उसे दोबारा एक बार रोस्ट किया जा रहा है, और देख सकते हैं कि यार ये फ्लेम में कितना अच्छा लग रहा है। और साथ ही साथ हम लोग देख सकते हैं कि यार ये जो कलर है इसका ये चेंज होता जा रहा है धीरे धीरे धीरे, जो इसे बहुत ही टेस्टियर बना देगा। और हम लोग देख सकते हैं कि यार अब जो है हमारे चाप जो अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं, उसकी कटिंग की जा रही है अब, और अब जो है उसके बाद उसमें फिर डाले जा रहे हैं बढ़िया तरह से मसाले, और अब इसमें डाले जाएंगे ये फ्लेवर्स। फ्लेवर जलने के बाद तो यार इसका टेस्ट तो है बहुत ही बढ़िया बन जाता है, बहुत ही शानदार बन जाता है। उसे खाने के बाद तो यार बस क्या ही कहें, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो देख सकते हैं उसे तरह से मिक्स किया जा रहा है, बहुत ही बढ़िया तरह से उसे मिक्स किया जा चुका है और ये कर जा चुका है उसे सर्व। साथ में हम देख सकते हैं इसमें ऑनियंस कितने अच्छे लग रहे हैं, साथ में फ्लेवर्स के साथ इनका टेस्ट जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो अब इसे करते हैं एक्सप्लोर और आपको बताते हैं कि यार यहाँ की डिशेज हमें कैसी लगी। तो गाइस जैसा कि आज हम लोग आए सचदेवा चाप कॉर्नर पे, और यहाँ पर हम लोग ने यहाँ पर देखी कि इनके पास बहुत ही तरह की वैरायटीज हैं चाप की, और अगर आप लोगों को ट्राई करना है तो यार यहाँ पर जरूर आना। और आज हम लोग यहाँ के देख रहे हैं यहाँ के स्पेशल हरियाली चाप, वैसे ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि यार यहाँ का ये टेस्ट में कैसा लगा। ये ग्रीन कलर है जो ये काफी अट्रैक्टिव लगता है इसका देखने में, और साथ ही साथ जो अब इसका टेस्ट होने वाला है वो आपको बताते ही है। चटनी है साथ ही तो हरियाली चाप है, वो अच्छी तरह से रोस्ट हुए पड़े हैं, और इसके ऊपर अमूल का टेस्ट
टोटल ओवरऑल डिश एक नंबर लग रही है, बहुत ही टेस्टी लग रही है। तो अगर आप लोगों को भी करना होता है तो जरूर आए सचदेवा चाट कॉर्नर, यहाँ की लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस भाई जैसे आज हम लोग आए यहाँ पर सचदेवा चाट कॉर्नर पर, यहाँ के भैया ये ओनर है और यहाँ पर बताएंगे भैया की किस तरह की डिश यहाँ पर मिल जाएगी हमारे को। भैया किस तरह की डिश मिल जाएगी हमारे यहाँ पर? अच्छा, मतलब यहाँ पर रोल्स भी मिलते हैं? यहाँ पर आप लोगों को बहुत तरह के रोल्स भी मिल जाएंगे। और यहाँ पे टाइमिंग क्या होगी आपकी? टाइमिंग भी हमारी है 10:30 तक। तो ये टाइमिंग भी आप लोगों को बेचल और जोमेटो से भी है कुछ दिन में यहाँ पे जोमेटो और स्विगी पे आ जाएगा। तो आप लोगों की वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसके बाद आप लोग कर लेना उससे ऑर्डर और मंगाना यार सचदेवा चाट कॉर्नर का अमेजिंग चाट को करना ट्राई। सो गाइस यार वीडियो चले गए तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना सबके साथ, अपनी फ्रेंड्स फैमिली और सर्कल जितना भी हो सबके साथ शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि यार वीडियो कैसी लगी। इंस्टाग्राम और ऐप भी फॉलो कर लो ताकि नई अपडेट्स आपको मिलते रहे, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर जाना ताकि नई वीडियो जो है वो आएंगी तो आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय फूडीज़।